नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं आजाद खबर। आज मैं आपको लेकर के आया हूं नारायणगढ़ के अंदर, जो कि छात्र संघर्ष मंच की टीम यहां पर कार्य करती है, छात्रों की समस्याएं देखती है। आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे कि क्या क्या वर्तमान में छात्रों को समस्याएं आ रही हैं। संघर्ष मंच से आप तो रूबरू करवाएंगे तस्वीरों के माध्यम से, देखते रहें आजाद खबर। आइए हम मिलवाते हैं हम आपको अब छात्र संघर्ष के मंच के प्रेजेंट से, उनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। देखते रहें आजाद खबर, पेश है एक रिपोर्ट। सबसे पहले तो आज़ाद खबर के सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं छात्र संघर्ष मंच नारायणगढ़ से प्रेसिडेंट अजय। तो साथियों, मुद्दा ये है कि जो हरियाणा राज्य में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंचकुला की तरफ से अभी एडमिशन्स को लेकर जो नोटिस जारी किया गया है, उसमें साथियों ये बात कही गई है कि एक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नॉन रिफंडेबल फ़ीस जो है आपको पे करनी होगी, उसके बिना, उसको पे किए बिना आप लोगों के रजिस्ट्रेशन ही नहीं होंगे, आगे आपका फॉर्म ही ओपन नहीं होगा। और साथियों, जो जितने भी स्टूडेंट जो है एडमिशन लेते हैं, अभी एक दो दिन पहले की स्टेटमेंट है, न्यूज़पेपर में आ रही थी ये, कि जो ये फ़ीस रखी गई है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो रखी गई है 50 या 100 रुपये, कहने को तो 50 या 100 रुपये है, बट एक बड़े लेवल पे अगर आप देखोगे तो सरकार को इससे करोड़ों का मुनाफा होने वाला है। ये गरीबों की जेब लूट करके ये प्रॉफिट कमाने वाली है सरकार। तो साथियों, ये न्यूज़पेपर में थी अभी कुछ दिन पहले कि इस रजिस्ट्रेशन फ़ीस के कारण लगभग 65,000 के करीब स्टूडेंट जो हैं दाखिलों से वंचित रहने वाले हैं। साथियों, ये बिल्कुल सही है कि हाँ, इतने स्टूडेंट वंचित रह जाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं साथियों, एक तो वो, और दूसरा ये कि जिन स्टूडेंट्स का मेरिट में नाम नहीं आता किसी वजह से, तो साथियों वो बच्चे जो हैं दाखिलों से रह जाते हैं, और ये जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है ये भी उनको वापस नहीं की जाएगी। दूसरा साथियों, इसमें ये है कि जो फर्स्ट ईयर के जो फ्रेश एडमिशन होने वाले हैं, अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उनमें जो फ़ीस रखी गई है, जो एडमिशन फ़ीस रखी गई है रजिस्ट्रेशन फ़ीस से अलग, बीए की पहले फ़ीस होती थी लगभग 4500 के आसपास होती थी, और अब जो है वो 6500 से 6600 के बीच में फ़ीस रखी गई है। और इसी तरीके से बीएससी, बीकॉम और बीसीए जितने भी कोर्सेज़ हैं, उन सब की जो फ़ीस है वो इस बार बढ़ा दी गई है। तो साथियों, सेकेंड और थर्ड ईयर की भी फ़ीस बढ़ी है इस बार, पहले जो फ़ीस थी उससे लगभग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के इस बार फ़ीस ले रहे हैं सेकेंड और थर्ड ईयर की भी। तो साथियों, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, जो बच्चे गरीबों के बच्चे हैं, मज़दूरों के, किसानों के बच्चे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो साथियों एक तरीके से उन बच्चों को अनपढ़ रखने की सरकार की ये साजिश है, क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। और साथियों, प्राइवेटाइजेशन को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है उसको देखते हुए, और जिस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आए हैं ये, उसमें जो जो प्रावधान दिए गए हैं उनको देखते हुए, ये सब फीसों का मामला ये होना आम बात है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू कर दी गई है, और जब वो लागू कर दी गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि फ़ीसें भी बढ़ेंगी और प्राइवेटाइजेशन भी होगा, और जो गरीबों, मज़दूरों, किसानों के बच्चे हैं वो शिक्षा से भी वंचित रहेंगे। जी, आप प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जो ये मामला आया सामने फीसों को लेकर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, छात्र संघर्ष मंच हरियाणा बिल्कुल स्टूडेंट्स के पक्ष में है, स्टूडेंट्स के फेवर में है, चाहे वो गरीबों का बच्चा है, चाहे मिडिल क्लास फैमिली से है, चाहे वो आपके भी बच्चे हैं, ठीक है। तो साथियों, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और मैक्सिमम मैं बात करूंगा लड़कियों की, जितनी भी छात्राएं पढ़ रही हैं साथियों, पहली बात तो ये है कि माँ बाप बहुत मुश्किल से अपने लड़कियों को कॉलेजों तक भेजते हैं। दूसरा, जो गरीबों के बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे किसी तरीके से मेहनत करके अगर पहुँच भी जाते हैं, तो साथियों ये सरकार जो है इस तरीके की नीतियाँ ला करके उन बच्चों को दबाने का प्रयास करते हैं, उन बच्चों को जो है कहीं ना कहीं हाइड कर देते हैं, एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। तो साथियों, छात्र संघर्ष मंच
हरियाणा सरकार से यही अपील करता है कि इस तरीके से जो एजुकेशन है उस पर हमला ना किया जाए, एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ना धकेला जाए। इससे क्या होगा कि गरीबों के बच्चे जो हैं बहुत जो है ज़्यादा दबकर रह जाएंगे, एजुकेशन से बहुत ज़्यादा वंचित रह जाएंगे। तो छात्र संघर्ष मंच बार बार सरकार से यही अपील करता है कि इस तरीके की नीतियां लागू ना करें, गरीबों के बच्चों को पढ़ने का मौका दिया जाए। जी,